भीलवाड़ा और बूंदी, यहाँ पर सबसे ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, या यूं कह सकते हैं कि आंधी की ज्यादा आशंका बनी हुई है। प्रदेश में पिछले दिनों आंधी और तूफान का असर देखने को मिला था और उसकी वजह से प्रदेश के लोगों को काफी परेशानी हुई, और अब आंधी का कहर ना देखने को मिले, अब आंधी से खुद को सावधान रखें। इसके लिए हम बार बार आपको जानकारी दे रहे हैं कि प्रदेश में सबसे ज्यादा वो जगह है जहां पर नुकसान की आशंका जताई जा रही है, तूफान के खतरे की आशंका जताई जा रही है, उनके बारे में जानकारी आपको बता रहे हैं। जैसलमेर है, बीकानेर, चुरू के लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, श्रीगंगानगर, नागौर, जालौर, जोधपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बूंदी, ये वो हिस्से हैं जहां पर तूफान और बारिश की आशंका ज्यादा बनी हुई है, और भीलवाड़ा और बूंदी के साथ साथ तूफान के असर के चलते कई जगह पर धूल भरी आंधी आ सकती है, और ऐसे में जरूरी है आप अपना ख्याल रखें और धूल भरी आंधी से खुद को बचाए रखें। मौसम विभाग के मुताबिक देश में आने वाले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए आपको और आपके परिवार को डरने की बजाय बेहद सावधान रहने की जरूरत है। हम आपको बता रहे हैं कि इस तूफान की चपेट में आने से कैसे बच सकते हैं और आपको करना क्या होगा। अगर आप किसी यात्रा की तैयारी कर रहे हैं तो बार बार कह रहे हैं कि उसे टाल दीजिए, और अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो ही घर से बाहर निकलें। तेज हवाएं चल रही हैं तो पेड़ों से दूरी बनाए रखिए, भारी पेड़ आमतौर पर आंधी में गिर जाते हैं। चूल्हे और दूसरी जगहों पर मौजूद आग को बुझा दिया जाए, अक्सर देखा जाता है कि कूड़े के ढेर में आग लगी और आंधी तूफान में और ज्यादा फैल जाती है। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्लग निकाल दिया जाए ताकि हादसा ना हो, ताकि बिजली गिरने से वो सुरक्षित रहें, और घर की छत पर भारी सामान ना हो, क्योंकि आंधी तूफान में घरों की छत गिर जाती है और उसकी वजह से हादसे परिवार में देखने को मिलते हैं। नीचे लटक चुके पेड़ और टूटी टहनियों को हटाया जाए, उनसे दूर रहा जाए। इसके साथ ही मौसम का ध्यान जरूर रखें कि काले होते आसमान, बढ़ती हवाओं पर आपकी नजर अगर रहेगी तो आप अपना बेहतर ख्याल भी रख पाएंगे। और जयपुर से बड़ी खबर भी आपको बता रहे हैं, जयपुर मेट्रो अलर्ट मोड पर है, तूफान को लेकर मेट्रो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। तेज हवा चलने पर मेट्रो ट्रेन रोकी जाएगी और हर मेट्रो स्टेशन पर वायु मापक यंत्र लगाए गए हैं। मेट्रो प्रशासन मिनट टू मिनट हवा का परीक्षण कर रहा है, यानी जब हवा का जो रुख है वो तेज होगा उस हिसाब से मेट्रो को रोका भी जा सकता है, और मेट्रो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। अगर आप घरों से बाहर जा रहे हैं, मेट्रो का सफर करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए यहां से भी ये बहुत ज्यादा जरूरी खबर है, और आप इस बात को ध्यान में रखकर ही घर से बाहर जरूर निकले। जयपुर मेट्रो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है, तूफान को लेकर मेट्रो प्रशासन तेज हवा पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।